बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बड़े अच्छे अंदाज से साहिब किताब और किताब का तारुफ पेश कर रहे थे मोहतरम डॉक्टर साजिद सिद्दीकी साहब। अगर शायर एक पंक्ति कहे तो डॉक्टर साजिद सिद्दीकी साहब ने जितनी भी बातें कही है उस एक पंक्ति में आ जाएगी कि शायर कहता है कि मुझ पे तहकीक मेरे बात करेगी दुनिया, मुझ पे तहकीक मेरे बात करेगी दुनिया, मुझको समझेगी मेरे बात समाने वाले। तो ये वो शख्सियत है जिनके ताल्लुक से डॉक्टर साहब इजाज़ ख्याल कर रहे थे कि जो सिर्फ काम पर यकीन रखते हैं और काम ही जैसा उन्होंने कहा कि वो तो कहीं नजर आते ही नहीं, तो वो काम में वो नबी होते हैं इसलिए नजर नहीं आते हैं। आइए, जिसका इंतजार था हम वो घड़ी आ चुकी है और मैं मौजूद मेहमान से इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ और सबसे खास जो हमारे सदर मुकरम है मोहतरम पंडित किशोर परशुराम लिनिये साहब जो के माहिर संस्कृत हैं, गुरुकुल हैं नासिक के, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, परनूर रोही साहब को गुजारिश करता हूँ कि किताब उन तक पहुंचाई जाए और इस किताब का उद्घाटन किया जाए, इस किताब का इजरा किया जाए। मैं मोहतरम मेहमान से गुजारिश करता हूँ कि खड़े हो जाए और खड़े होकर इस किताब का इजरा जिसका जिसके लिए ये तकरीर यहाँ पर मुनक्किद की गई है और काफी दिनों से इसके ताल्लुक से यहाँ पर हमारे मुंतजमीन जो हैं वो अपनी कोशिशों में लगे हुए थे और वो किताब जो कि दुनिया की पहली किताब है संस्कृत उर्दू ग्रामर, ये आप लोगों के सामने मोहतरम पंडित किशोर परशुराम लिंगे साहब के हाथों से ये किताब मंजर आम पर आ रही है। ये किताब यकीनन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाएगी और संस्कृत ग्रामर पर उर्दू जबान में दुनिया की पहली किताब जो है वो मंजर आम पर आ रही है। ये बहुत ही बेहतरीन मौका है मालेगांव शहर के लिए, यहाँ के कलमदारान के लिए, यहाँ के साहिबान किताब के लिए और ज़बान और अदब पर काम करने वाली हर शख्सियत के लिए ये लम्हा बहुत ही कीमती है। एक किताब अल्लामा साहब के हाथ में भी दी जाए और इस तरह से इसका प्रकाशन हुआ, यहाँ पर तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने अपना कीमती वक्त दिया है और इस किताब के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए और वो लम्हा यहाँ पर आन पहुंचा और किताब जो है वो मंजर यहाँ पर आ चुकी है। यकीनन इस किताब से एक नस्ल जो है वो मुस्तफीद होगी, इस्तेफादा करेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और आने वाले वक्तों में जिस तरह से किसी भी किताब का उसकी पसीराई की जाती है इसकी भी पसीराई की जाएगी और ये जखीर किताब संस्कृत पर उर्दू में पहली मरतबा जो है ये एजाज के मालेगांव शहर को जा रहा है कि पूरी दुनिया में उर्दू जबान में संस्कृत के ताल्लुक से किताब मंजर आम पर आई। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, मौजूद मेहमान से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने नशीतों पर तशरीफ रखें और इस किताब के ताल्लुक से अब हम बात करेंगे। मेरे पास एक तवील फहरिस्त है जिसमें सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे मौजूद मेहमान अभय शाह साहब जो कि बैत वक्त उर्दू और मराठी पर दस्तखत करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज से आप बात करते हैं, मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप माइक पे तशरीफ लाएं और अपने ख्याल का अपने एहसास का यहाँ पर इजहार करें। मोहतरम अभय शाह साहब नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी पहली मुलाकात है मौलाना साहब से और कई लोग जो यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं उनसे भी मेरी पहली मुलाकात है, जो मेरे जाने पहचाने हैं। किताब जब भी पढ़ी जाएगी उसके लिए कुछ और लिखा जाएगा, जब
शख्सियत को जाना जाएगा। तारुफ तो बड़ा बहुत अच्छा करवाया साजिद भाई ने, लेकिन फिर तमन्ना है कि उनके रूबरू मुलाकात हो, उनके साथ बैठा जाए, उनको समझा जाए। और इंसान अपने जिस्म से, अपने चेहरे से नहीं जाना चाहता है, वो शख्सियत मुकम्मल बनती है उसके ख्यालात से, उनके विचारों से। और मैं ज़रूर मौका मिलने पर मौलाना साहब को जानना चाहूँगा। आज मुझे जो कहना है वो बात जबान के ताल्लुक से कहेंगे। मैं जब भी जबान के लिए सोचता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जबान सिर्फ लफ्जों का जखीरा नहीं है। जबान अपने साथ, अपने पीछे और अपने अंदर पूरी तहजीब को समा के चलने वाली चीज है। हर एक लफ्ज जो है उसके पीछे तहजीब का, जो लोग कलमियात पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हर एक लफ्ज के पीछे उसका, उसकी तारीफ होती है, उसका एक मानी होता है। और उस पे पैर रखते हुए अगर हम पीछे 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 चले जाए तो एक बड़ी दुनिया में हम पहुंचते हैं। एक एक लफ्ज की एक एक दुनिया होती है। जबान एक बहती हुई नदी की तरह होती है, जो कहां से शुरू होती है और कहां पहुंचती है, इसके अलावा उसके दोनों किनारों के जमीन को वो हरा भरा करते हुए चलती है। और जो कुछ भी उसमें आए, जो नदी आके मिले उसको समा लेती है, जो नाला आके मिले उसको समा लेती है, और नदी को, ये दरिया को कोई तासुब नहीं होता है कि कौन सा पानी, कौन से रंग का पानी, कौन से रूप का पानी अपने आप में समा, उसमें समा रहा, और वो सबको आगे ले जाए। हमारी जबाने जो है वो इसी तरह से बनी है, कोई खारिज नहीं, सारी तहजीबों को एक करती हुई चलती है। आप अगर उर्दू भी लेंगे तो उसमें अरब के इत्र की भी खुशबू आएगी, ईरान के फूलों की भी खुशबू आएगी, और हिंदुस्तान के केसर की भी खुशबू आएगी। तो ये जो मिलजुल कर जो बनी हुई है जबान, तो सारी जबानें जो है वो अपने आप में, और जबान की पाकिजगी का जिक्र करना बहुत गलत बात है, क्योंकि कोई हर जबान जो है वो कई सारी जबानों को लेके चलती है, लेकिन अपनी जबान का सबको फक्र होता है, लेकिन वो इस अंदाज से ना हो कि दूसरी जबान को कोई इंसान कम समझे। तो ये जो काम मौलाना साहब ने किया है, ये दो नदियों को मिलाने का काम, ये सिर्फ एक लुगत नहीं, एक ग्रामर की बुक नहीं, ये दो तहजीबों को समझाने का काम किया है। तो जो इंसान जो संस्कृत जानता है, और संस्कृत की सारी दुनिया जो है वो जबान में जो समाई हुई है उसको जानता है, वो उनके जरिए उर्दू की दुनिया में उसका आज प्रवेश होगा, उसको वो कमान से अंदर जाने की इजाजत वो किताब देगी। और ये दोनों तहजीबों का मिलन का काम जो है वो उनकी किताब करेगी। आसाम में एक शख्स ने लगभग 5 लाख पेड़ बोए एक आइलैंड पर, तो मैं सोच रहा था कि वो एक बीज बोता है, दूसरा बोता है, तीसरा बोता है, फिर उसके पेड़ बढ़ते हैं, फिर वो और दूसरी तरफ बोता है। ये जब पेड़ बड़े हो गए तो वो इंसान रहेगा नहीं, उसको भी पता है। और पेड़ भी ऐसी सकाफत है कि
कि जो इंसान के मरने के बाद भी लोगों को फल देती है, साया देती है, शजर समर भी देगा, शायद साया भी देगा। और मौलाना साहब को मैं इस बात की बधाई देता हूँ कि ये जो सदका जारिया है, ये उन्होंने ये काम, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद इस हिजरे पर। और ऐसे कई सदावनी काम तुमसे हम लोग चाहते हैं मालेगांव वाले। हाँ, शुक्रिया बहुत मुझे यहाँ बुलाया गया और ये मेरी टूटी फूटी बातें रखने का मौका दिया गया। मैं साजिद भाई का शुक्रगुजार हूँ और आप सभी का कि आपने बर्दाश्त कर लिया, शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा था कि अभय शाह साहब उर्दू और मराठी जबान पर दस्तरस रखते हैं। आपने अपनी तकरीर यहाँ पर पेश की और आपका पूरा कहना यही था कि अपना तो काम है कि जलाते चले चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चले चिराग, रस्ते में फाड़ दोस्त या दुश्मन नजर मिले। और ये जो तहजीबों के मिलन की बात कर रहे हैं, ये जो दो समाज के मिलन की बात कर रहे हैं, यकीनन हमें भी सोचने की जरूरत है। आइए, मैं दूसरे मुकद्दर के हैसियत से यहाँ पर बी के शकुंतला बीबी साहबा, जो कि इंचार्ज लाइट हाउस ब्रह्मा कुमारी सेंटर की इंचार्ज है, मैं बड़े अदब एहतराम के साथ आपको मदद करता हूँ, यहाँ पर तशरीफ लाए और अपने ख्याल, अपने एहसास, अपने जज्बात का यहाँ पर इजहार करें। मोहतरमा बी के शकुंतला बीबी, सबसे पहले आज के शुभ अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था में जब भी शुरुआत करते हो बोलने तो ओम शांति का है। आप सबको इस सुंदर महामंत्र की प्रेरणा दे रहे हैं। ओम शांति का मतलब होता है अहम और मम, मैं कौन, मेरा क्या, मैं ये थोड़ा और करीब करीब करीब, मैं ये देह नहीं परंतु इस देह को चलाने वाली, इस शरीर को चलाने वाली एक सूक्ष्म शक्ति आत्मा, में कहते हैं रूह, जो इस कहेंगे कि इस शरीर को चलाने वाली है। और वह रूह जिसका स्वधर्म शांति है, और इसीलिए कहा जाता ओम शांति, अर्थात हम सब रूह है और हमारा स्वधर्म शांति है। शांति सबको प्रिय होती है, परंतु आज का समय ऐसा आ गया है कि शांति की चाहना रख रहे हैं, जबकि शांति हमारा स्वधर्म है। इसका कारण यही कि आज हम सब मानो खुद को रूह न समझ ये शरीर समझ बैठे हैं, और इसी के कारण ही सभी भिन्न भिन्न स्वभाव के कारण, भिन्न भिन्न धर्मों के कारण आज थोड़ा मतभेद में आ गए और इसलिए अशांति हो गई। परंतु आज का ये जो माहौल मैं देख रही हूँ, ये बड़ा सुंदर लग रहा है, क्योंकि यहाँ आज हमें जो यहाँ निमंत्रण किया गया है, तो भाई साहब जिन्होंने ये जो किताब बनाई है उसके ओपनिंग के लिए बेहद खुशी है। कितना मेहनत हरे करते हैं सब तक ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो आज ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, यहाँ भी जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो इलम बताया जा रहा है, उसे कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि गीता ये सर्व शास्त्र में शिरोमणि मानी गई है। सभी धर्म अपने अपने शास्त्र को जो मानते
परंतु गीता को ही सबने सामने रखा है। आज चाहे इस्लाम धर्म का शास्त्र है पुराण, बौद्ध धर्म का शास्त्र है धम्मपद, कृष्ण धर्म का शास्त्र है बाइबल, इसी प्रकार हिंदू धर्म का शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता। गीता के आधार पर सभी शास्त्रों में अनुवाद किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि गीता में खास कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता, अर्थात भगवान ने जो श्रीमद् गाई उसको गीता नाम दिया है। तो भगवान कौन है और उन्होंने श्रीमद् अर्थात श्रेष्ठ डायरेक्शन, श्रेष्ठ मत कब सुनाई है, क्या सुनाई है, किस लिए सुनाई है? आज वो समय आ चुका है जबकि कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है और गीता के अंदर भी बताया है जब महाभारत युद्ध होता है उस समय 3 सेनाएं धरती पर हो रही, एक कौरव, दूसरे पांडव और तीसरे यादव। और ऐसे समय पर जब भाई भाई में आपसी टकराव होता है, जबकि पांडव और कौरव एक ही परिवार के हैं, परंतु आपसी मतभेद के कारण जब टकराव होता तो गीता का भगवान खुद इस धरती पर अवतरित होकर के गीता का ज्ञान अर्जुन को देते हैं। तो ये समय वही है जबकि भगवान आकर के गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो अर्जुन एक नहीं है, आज हम सब की बहुत बहुत जानना है कि भगवान ने क्या डायरेक्शन दिए वो हम जाने। तो अर्जुन का अर्थ होता है ज्ञान अर्जन करने वाला। एक को भगवान नहीं सुनाएंगे, लाखों करोड़ों को सारे संसार को सुनाएंगे, डायरेक्शन देंगे किस बात के, कि मैंने इस धरती को जब बलिष्ठ बनाया था तो उसके पहले मैंने ये गीता का ज्ञान दिया था, क्योंकि उस समय ये भारत भूमि रौर तरक बन गई थी, जबकि मैंने इस भारत भूमि को एक समय पहले स्वर्ग बनाया था, अर्थात बलिष्ठ बनाया था, जन्नत बनाया था, लेकिन एक समय ऐसा आ गया जबकि ये जन्नत बन गया। अब ऐसे समय पर फिर से इस भारत भूमि को जन्नत बनाने के लिए, बलिष्ठ बनाने के लिए मैं आप करके फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। ये वही समय चल रहा है जबकि भगवान अर्थात अल्लाह, खुदा, नूर, गॉड, ईश्वर सब एक ही है। सभी धर्म वाले अपने 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 धर्म के अनुसार उन्हें कोई अल्लाह कहता, कोई खुदा कहते, कोई गॉड कहते, कोई नूर कहते, कोई भगवान कहते, लेकिन है वो सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता अर्थात सभी रूहों का फादर, जिसे हम कहेंगे रूहानी पिता, स्पिरिचुअल फादर। वह रूह जैसे हम रूह है लेकिन रूह दिखाई नहीं दे रही है, जिसम दिखाई दे रहा है लेकिन इस जिसम के अंदर विराजमान भ्रुकुटी के बीच रूह है, अति सूक्ष्म पॉइंट है, इस जिसम के माध्यम से वो कार्य करती है। वो हमें पहचान दे रहे हैं कि जैसे रूह आंखों द्वारा देख रही है, कानों द्वारा सुन रही है, मुख द्वारा बोल रही है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूँ, मेरा हाथ है, ये मेरी आंखें हैं, मैं आंख नहीं हूँ, तो मेरी इसका मतलब मैं अलग और ये जिसम अलग है, तो मैं कौन हूँ? ये पजल एक पहेली आज सारे विश्व के आगे है कि मैं कौन। इस जिसम को चलाने वाली एक सोल रूह अति सूक्ष्म है और ये रूह जो है उसका स्वरूप ज्ञान है, आनंद है, सुख है, शांति है, प्रेम है, पवित्रता है और शक्ति है। ये उसका स्वरूप है, उसका स्वधर्म है
और इसलिए हर एक चाहते हैं कि हम सब आपस में प्यार से रहे, शांति पूर्वक रहे, सुख से रहे, आनंद से रहे, पवित्र जीवन में रहे। परंतु रूह खुद को भूल जाने के कारण उस स्वरूप में नहीं आ पा रही। लेकिन इस समय रूहों का पिता गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, वो परम पिता परमात्मा सुप्रीम रूह इस समय अवतरित हुए इस धरती पर। जिनके तन में आए हैं उन्हें कहा जाता है आदि देव ब्रह्मा, एडम, आदम कहते हैं। आदम को खुदा मत समझो, आदम खुदा नहीं, पर खुदा की नूर से आदम जुदा नहीं। तो वो खुदा, वो सुप्रीम रूह भी एक ज्योति है, और वो ज्योति एक लाइट इस आदम के तन से गीता का ज्ञान दे रहे हैं और मेडिटेशन अर्थात राजयोग सिखा रहे हैं, जिस राजयोग के द्वारा हम उस पिता के साथ कनेक्शन जोड़कर उनसे हम सभी गुणों को और सभी शक्तियों को हासिल करते हैं, और जिसके द्वारा हम फिर से स्वराज अधिकारी बनते हैं। तो वो पिता आ चुके हैं, ये पुस्तक की प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शर्मी शुद्ध सबको दे रही है। यही गीता का ज्ञान अभी फिर से आदम के द्वारा दिया जा रहा है, जिनको ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है, और जिनके मुख से ये ज्ञान सुनने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। आज ये खुशखबरी की बात है कि रूह, सुप्रीम रूह, परमात्मा पिता अल्लाह हम सबको कह रहे, अब अपने को देह के धर्मों को भूल, अपने को रूह समझो, आत्मा समझो, और उस पिता को याद करो, क्योंकि मेरी याद से आपके जन्म जन्म के पाप बख्शे जाएंगे और आप पाप बन जाएंगे, और फिर मैं आपको बहिष्ठ में ले चलूंगा। इतना ही हम कह करते करते हैं कि समय निकाल कर अवश्य इस ज्ञान का लाभ ले। वही गीता है जिसको स्पष्ट भगवान आकर सुनाए। ओम शांति। आइए यहाँ पर दी नॉलेज इंग्लिश स्कूल के सैयद इमरान अहमद और उससे कबल यहाँ पर हमारे स्टेज पर शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत सनतकार मोहतरम हनीफ चौहान साहब तशरीफ लाए। मैं फरदोस तुम्बी साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में गुलदस्ता द्वारा पेश करते हैं, उनका इस्तकबाल करें। उसी के साथ साथ मारूफ जर्नलिस्ट मोहतरम इम्तियाज खलील साहब यहाँ पर हमारे अपने इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मैं फरदोस तुम्बी साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी भी खिदमत में गुलदस्ता द्वारा पेश करके इम्तियाज खलील साहब की खिदमत में मैं चाहूंगा कि सैयद इमरान अहमद ये आप लोगों के सामने आए और यहाँ पर महेश्वर सूत्र और संस्कृत ग्रामर के कुछ हिस्से वो यहाँ पर अपनी नंदी मुंडी जबान से पेश करेगा। तो इस बच्चे का परफॉर्मेंस देखिए। मैं फरदोस तुम्बी सर से गुजारिश करता हूँ कि कहाँ है वो बच्चा, उसे लेकर आए यहाँ पर स्टेज पर। I would Hillary A A Ouch Kayawar Lan Iya Samparanam Jabai Garadash Jababaradash Kapachatata Chatata Kapai Sasasar Han Upsar Pratipar Para Kapadam Anto Misni Dutto Iani Adhi Api Ati ये संस्कृत उर्दू ग्रामर की किताब थी
और ये छोटा सा नन्हा बच्चा भी आप लोगों के सामने जो परफॉर्म कर रहा था ये भी उसी से मुंसलिक था। आइए हम यहाँ पर बी के ममता दीदी साहब को सुनते हैं जो कि इंचार्ज प्रजापति ब्रह्मा कुमारी सेंटर की इंचार्ज है। मैं आवाज देता हूँ कि यहाँ पर तस्वीर लाए और अपने ख्याल अपने हिसाब से आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि बीके ममता दीदी जो कैंप सेंटर के इंचार्ज है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, तो मैं आदरणीय शकुंतला दीदी के साथ ही रहती हूँ। मेरा इस शरीर का नाम है बीके उज्ज्वला, आज का ये शरीर का नाम है बीके उज्ज्वला, क्योंकि परमात्मा ने तो सबके अंदर कार्य करने के लिए जो शक्ति रखी है जिसको हम लाइट कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो आत्मा सबकी परमात्मा की संतान है, लेकिन पहचान बनाने के लिए हमने सबके नाम अलग अलग कर दिए। तो शुरू से लेकर के हम जो ये प्रोग्राम देख रहे थे तो मैंने सोचा कि सचमुच खुदा जब इस दुनिया को बनाया तो कितना एक एक अपने बच्चों को हसीन बनाया, क्योंकि जब वो शुरू से हर एक का परिचय यहाँ पर दे रहे थे तो उसमें से मुझे लगा साजिद सिद्दीकी सर ने यहाँ पर मालेगांव के विशेष चुन चुन कर एक एक रत्न यहाँ पर मौजूद किए हैं। तो इस मंच पर मुझे सबके नाम तो याद नहीं रहे, लेकिन ये सारा मंच तो क्या, लेकिन सामने जो बैठे हुए हैं वो सब भी भले आज एज से सब बड़े हैं, स्कूल में जाने वाले यहाँ बहुत थोड़े हैं, पर सब स्टूडेंट सब विद्यार्थी, क्योंकि इस जो किताब का आज विमोचन यहाँ पर किया गया, इस किताब में मैंने देखा खोल करके कि जिसमें हम संस्कृत भी सीख सकते हैं और जिनको संस्कृत आती है वो उर्दू भी सीख सकते हैं। और उस किताब के विमोचन के लिए आप सब अपना बहुमूल्य समय यहाँ निकाल कर आए हैं, तो मैं देख रही थी कि भगवान के ये सब स्टूडेंट और जीवन में प्रोग्रेस या उन्नति वही कर सकता है जिसके अंदर सीखने की भावना हो, उसमें एज का कोई लिमिटेशन ना हो। क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि हमने यहाँ तक पढ़ाई की काम पूरा हो गया, ये डिग्री ले ली काम पूरा हो गया, उसकी जीवन की उन्नति वही रुक गई। लेकिन जो जीवन भर विद्यार्थी जीवन को अपनाता है, स्टूडेंट लाइफ को अपनाता है, वही आगे बढ़ता है। और ये किताब के लिए जब हम सुन रहे थे कि ये किताब विश्व में गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा इसका, तो ये बहुत अच्छा है कि महाराष्ट्र मालेगा उसमें भी महाराष्ट्र उसमें का ये किताब बना और ये विश्व में एक विशेष रूप से गिनती किया जाएगा। परंतु ये किताब की और एक विशेषता कि इस किताब से जो महिमा सुन रहे थे उस पर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दो नदियां तो क्या यहाँ, लेकिन यहाँ पर सभी धर्म के पैगंबर मौजूद है। तो शुरू में वो जो दादाजी थे उन्होंने जो गीत गाया मराठी में था, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करके उन्होंने सुनाया कि मोहम्मद पैगंबर जो है वो झकती हुई धूप में हमको सहारा देने वाले थे। लेकिन केवल एक मोहम्मद पैगंबर नहीं है, जितने भी यहाँ पर आप सब और इधर मंच पर बैठे हुए हैं ये सब मास्टर माना उनके बच्चे पैगंबर के रूप में हैं, क्योंकि वही पैगंबर परमात्मा का खुदा का पैगाम आगे तक पीढ़ियों तक चलता रहेगा। जो बच्चा यहाँ पर छोटा सा बच्चा जिसने संस्कृत से लेकर मराठी तक सभी बातों का यहाँ पर सुनाया वो बच्चा भी एक पैगंबर के रूप में ही काम कर रहा है। तो परमात्मा या खुदा या अल्लाह उसी को कहा जाता है जो अकेला काम नहीं करता है, जो सबको मिलाकर लेकर के चलता है। जैसे कृष्ण में गीता में कहा गया गीता सुनाने वाला श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण जी के जो भी कथाएं सुनाई गई है चरित्र सुनाए गए है उसमें यही कहा कि श्री कृष्ण ने अकेले ने कुछ नहीं किया, उसने अपने साथियों को लेकर के हर कार्य किया। और भले करने वाला कृष्ण था लेकिन उसने श्रेय अपने दोस्तों को साथियों को दिया, चाहे वो माखन खाता था
तो भी सबको खिलाता था, चाहे वसुरों को मारता था तो भी सबके सहायता से ही करता था। तो परमात्मा, वो खुदा, वो आला ताला, जिसको हमने अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए हैं, वो भगवान, वो अल्लाह, वो खुदा खुद इस धरती पर आकर अभी हमको यही पैगाम दे रहे हैं कि हम सब मिल करके इस दुनिया में जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, पापाचार है, उसको हम खत्म कर सकते हैं और सच्चा बहिष्ठ, सच्चा स्वर्ग अपने स्वयं के परिवर्तन से ही इस धरा पर ला सकते हैं। तो गीता का ये मुख्य है कि हमें किसी को नहीं देखना है, लेकिन हमें स्वयं को कर्म करते चलना है, क्योंकि कर्म ही मनुष्य की पहचान है। कौन कहा है, कौन कहा है, लेकिन डॉक्टर साजिद सिद्दीकी ने हर एक को एक एक कोने से चुन करके लिया है। तो इस हिसाब से कैसे चुना? कर्मों के हिसाब से। हर एक अपने कर्म में, अपने क्षेत्र में जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, उन जगह से उन्होंने चुनकर यहाँ इस हॉल में एकत्रित किया है। और भी कई थे जिनको उन्होंने निमंत्रण दिया, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, लेकिन कर्म जो गीता का मुख्य उद्देश्य है, हे अर्जुन, तू कर्म करता चल, फल की अपेक्षा मत कर। और यही कार्य परमात्मा ने हमको सिखाया, हम सब पैगंबरों को कर्म करते चलना है, फल की आशा न करते हुए, तो हमारा आगे का कार्य सहजता से होता जाएगा। आप सबका हमको यहाँ पर बुलाया और ये सम्मान दिया, उसके लिए विद्यालय की ओर से मैं डॉक्टर साजिद सिद्दीकी और खुदा का, अल्लाह का, सबका धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फनी, माशी, तजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।